सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं रघुनंदन कुमार आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। और आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जैसा कि आपने पहले पार्ट में पढ़ा था कि मैंने डेसिमल का एडिशन सिखाया था, जहां पे हमने डेसिमल का एडिशन सीखा था कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं डेसिमलों का, दशमलवों का, ठीक है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। देखिए, डेसिमल मैंने सबसे पहले थंब रूल आपको बताया था कि डेसिमल के नीचे आता है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आपने पहले पार्ट में भी अगर पढ़ा था मेरे, जब मैंने बताया था कैसे, देख लीजिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल वन। उसमें मैंने क्या बताया था, जैसे मान लो 4.5 आ गया, माइनस में 2.5 करना है। क्या करेंगे आप, 4 लिखा, डेसिमल के इधर 4 है, डेसिमल लिखा, डेसिमल के बाद 5 है, 5 लिखा, फिर डेसिमल उतारा, डेसिमल के पहले 2 है, डेसिमल के बाद 5 है, ये उतारा और ये माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, डेसिमल का उतारा डेसिमल, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर भी आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल ही उतारना है, तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर दूसरे एग्जांपल से समझाइए, ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझा देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन हो, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, मान लो क्वेश्चन आ जाए 4.250 माइनस में 0.024, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, आपने उतारा 4, उसके आगे क्या था 4.250 माइनस में 0, पॉइंट के नीचे पहले क्या था 0, डेसिमल के बाद क्या है 0.24, वही कंडीशन बन गई। अब आप ये 0 में से 4 नहीं जाता तो आप यहाँ कैरी लेंगे, ये बचेगा 4, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और ये 4.226 इज द आंसर, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड कंडीशन ये बनती है, कई बार होता ही है कि सर दो कंडीशन दे देते हैं, तीन न्यूमेरिकल आपको देते हैं, ऑपरेशन दे देते हैं, जैसे कैसे एग्जाम्पल नंबर 3 से, कैसे मान लो 4.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5, बोलो सर अब क्या करें, ठीक है। देखना, अब इसके दो तरीके से है सॉल्यूशन करने के, दो तरीके हैं, ठीक है। पहले तो आप क्या करें, 4.5 और 2.5 को माइनस कर लें, कैसे मैंने बताया था अभी आपको, 4.5 माइनस में 2.5, इस तरीके से क्या आएगा आंसर, 5 में से 5 या 0, कैरी बचा 2। अब इनका क्या आया सॉल्यूशन, 2 आया 2.0, इस 2.0 में से माइनस कर दें 1.5, तो क्या आएगा 2.0 माइनस 1.5, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, इधर 1 में से गया तो 0.5 इज द आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये तो है पहला तरीका, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका मैं क्या बताता हूँ, लेकिन दूसरा तरीका अगर आप 5th-6th क्लास में है तो शायद आपको समझ में ना आए, आप इसी कंडीशन से करें। देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या था, जैसे क्वेश्चन था आपका 4.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो 7th-8th क्लास में आप पढ़ते हैं कि माइनस और माइनस मिलके बनता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने क्या करा 2.5 और 1.5 को प्लस कर लिया, 4.5 माइनस में 2.5 और 1.5 को प्लस करा तो क्या आया 5.50 कैरी 1, 2, 3 और 1 4, 4.0 बन गया, ठीक है। अब 4.5 को मैं 4 से माइनस 4 में से माइनस कर लेता हूं तो 4.5 माइनस में 4, तो भी आंसर आपका आएगा 0.5, ठीक है। देखो दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन जो पहले वाला तरीका है वो आप करेंगे तो कहीं ना कहीं कंडीशन दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मान लो अगर ये ब्रैकेट नहीं दिए आपको तो आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं जरूर थोड़ा ना इसको माइनस कर लूं, इसको माइनस कर लूं, इन दोनों को प्लस कर लूं, इनको माइनस कर लूं, कुछ भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको आप बाद में कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट होता तो मुझे लगता है ये आपके लिए ठीक था, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बोला, लेकिन मुझे लगता है आप वो पहली वाली ट्रिक जो मैंने बताई आपको कि पहले आप इसमें से इसको माइनस कर लें और उसके बाद जो वैल्यू आती है राइट, उस वैल्यू में से आप इसको माइनस कर लें, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं, मान लो क्या आया 6.321 और माइनस में आया 0.1243, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या करें, तो कुछ मत करो 6.328। अब डेसिमल के पहले कितने नंबर हैं, डेसिमल के पहले हैं 0 और ये भी 0, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 नंबर 2, 4 और 3, ठीक है, ये आया। 8 में से 3 गया 5, 2 में से 4 जाता नहीं, हम कैरी लेंगे। 12 में से 4 गया 8, 2 में से 2 गया 0 और 6 का 6। और अगर मैं 0 आगे उतार दूं तो कुछ फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर 6 अगर आगे 0 होता है तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। तो 6 को अगर मैं ये 0 मिटा भी दूं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपका
आंसर होगा। और अगर जीरो लगा भी देता हूं तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा, 6.085 ही पढ़ा जाएगा, राइट। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ को। और अगर कुछ भी डाउट होता है फिर भी डेसिमल के सब्ट्रैक्शन में, तो एक बार आप कोशिश करके देखिए कि कहां दिक्कत आ रही है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं एक और अगला वीडियो आऊंगा जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी एक बार बताऊंगा, मैं लास्ट में फिर बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करें, जहां भी आपको डाउट हो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।